हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्टिनाज एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी 6:15 हो रही है, 6:15 हो रहा है। 6 बजे उठ जाना पड़ता है। उठ के टिफ़िन प्रिपेयर कर ली। आज बेटी को टिफ़िन में तवा पुलाव दे रही हूँ। उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब टाइप का टिफ़िन। मैं राइस बहुत ही कम देती हूँ, बट आज सोची थोड़ा सा दे दूँ। वो क्यूकम्बर नहीं खाना चाहती, इसीलिए मैं टिफ़िन में दे देती हूँ। टिफ़िन में देने से क्या होता है, वो टिफ़िन पूरा ही फिनिश कर देती है। टिफ़िन बचा के लाती नहीं है, क्यों? 2:30 बजे तक रहती है तो जाहिर सा बात है भूख तो लगेगी। तो यहाँ पे वो बेटी भी रेडी हो गई है अब स्कूल जाने के लिए, तो चलिए उसे स्कूल भेज देती हूँ एंड बैक टू नॉर्मल रूटीन। इस बार की वीक में तो सैटरडे भी स्कूल दे दी है, क्यों ट्यूसडे उन लोगों को ऑफ मिला था, वो हमारे यहाँ पे वो न बनो अभिजन के वजह से, तो सैटरडेज़ भी स्कूल जाना पड़ेगा। तो बस और क्या, अब मैं लग गई अपने कामों में स्कूल भेजने के बाद। सैटरडे के दिन जब स्कूल जाना पड़ता है ना, बहुत दिक्कत लगता है। स्पेशली बच्चे को तो लगती है और पेरेंट्स को भी लगती है। ऐसे नॉर्मल डे में उसे उठाने से डायरेक्ट उठ जाती है, बट छुट्टियों के दिन उठने में उसे थोड़ा सा दिक्कत लगता है। क्यों? एक मेंटल प्रिपरेशन हो जाती है ना कि आज सैटरडे है करके, बट देर इज़ नो ऑप्शन, जाना तो पड़ेगा स्कूल। और मैं जल्दी एब्सेंट नहीं करवाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। जब बहुत लगता है हाँ एब्सेंट होना चाहिए, देन इट्स ओके। तो हस्बैंड भी उसे छोड़ के आ गए। मैं यहाँ पे मिल्क वगैरह सब रख दी। मैं फ्रीज़र में ही मिल्क रखती हूँ तो वो रहता है, अगर वो बच जाता है ना मिल्क तो रह जाता है, मींस वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सब रख के ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। आज थोड़ा सा वेजिटेबल्स था घर पे, तो वो टॉटेला जैसा बना दी, उसे तवा पुलाव दे दी। वही वेजिटेबल्स से हम लोग थोड़ा टॉटेला जैसा बना के खा ले रहे, अच्छा लगता है टॉटेला। वेजिटेबल्स, थोड़ा सा चीज़ और बटर से थोड़ा ग्रिल कर ले रही हूँ, बहुत मस्त लगता है। आप लोग भी ऐसे ट्राई करना, मज़ा से एकदम टिफ़िन या ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त एकदम होता है। तो बस गर्मा गर्म चाय एंड गर्मा गर्म नाश्ता। तो आ जाइए आप लोग भी, किसे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करना है, मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, बना के खिलाऊँगी आप लोगों को। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखिए ब्रेकफास्ट हो गया। ये फ़िश मैं पहले निकाल के रखी थी, अब इसे अच्छा से हाफ आइस इसका निकल चुका है। अब थोड़ा देर पानी में रहेगा तो ये पूरा ही आइस निकल जाएगा। मैं वीकली मार्केटिंग करके रखती हूँ ना, तो वो आइस काफ़ी हो जाती है, बट आराम होती है पकाने में। डेली डेली बाज़ार जाओ लाओ पकाओ, वो मेरे से होता नहीं है, पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पर मेरी मम्मी देखिए सुबह से लगी हुई है कामों में, सब वुडन स्पूंस बेलन वगैरह धो के रखी है, सफाई कर रही है मेरी मम्मी घर की। क्या करे, माँ है, कर देती है। माँ रहती है तो पता चलता है कितना हेल्प हो जाता है ना। सही में मेरी मम्मी बोलती है जब नहीं रहेंगे ना तब तुम लोगों को समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं वहाँ पे कुकिंग भी कर रही हूँ, मम्मी यहाँ पे क्लीन कर रही है। घर पे बस मैं और मम्मी हूँ और कोई तो है ही नहीं घर पे। देखिए मेरी मम्मी कहाँ घुसी बैठी है, देखिए। एक एक बार किचन में काम कर रही थी और एक एक बार जाके मम्मी को देख रही थी कि मम्मी कहाँ है, क्या कर रही है। मना करते हैं, बीमार रहती है ना, फिर भी सुनती नहीं, थोड़ा बहुत बोलती नहीं करते रहेंगे तो बॉडी ठीक रहता है, वरना फिर बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है थोड़ा बहुत करो फिर। और यहाँ पे मेरी बेटी, आप लोगों को तो पता ही है जो मेरी वीडियोज़ देखते हो स्टार्टिंग से, वो कोई भी टाइप का फ़िश नहीं खाना चाहती है। तो मैं यहाँ पर उसके लिए चिकन स्ट्यू बना रही हूँ, ये उसका वन ऑफ द फेवरेट खाना है। ये देखने से बहुत खुश हो जाती है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑयल में एक प्याज, गोटा गरम मसाला मींस इलायची दालचीनी लौंग, थोड़ी सी ग्रेटेड जिंजर तेज़पत्ता, यही सब दे के अच्छा से फ्राई करके अब उसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी देती हूँ। अब उसमें मैं चिकन थोड़ा सौते कर ली, देन वेजिटेबल्स आपके पास जो भी है, जैसे मेरे पास था पटल कैरेट एंड पटेटो और भिंडी है, भिंडी लास्ट में डालूंगी, थोड़ा सा टमेटो, बस इन सबको अच्छा से मिक्स करना है। अच्छा से कुछ देर फ्राई करके बस इसमें अब जितना पानी ज़रूरत है अच्छा से देकर इसमें 2 सीटी लगा लूंगी
वेजिटेबल्स भी कुक हो जाएगी एंड स्ट्यू भी बन के रेडी हो जाएगी। बस खाते वक्त नींबू के साथ खाओ, बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे मैं भिंडी काट रही हूँ, रात में भिंडी मसाला बनाऊँगी, भिंडी की भुजिया से भिंडी मसाला। मेरे हस्बैंड ज़्यादा प्रेफर करते बट हम लोग को भिंडी भुजिया ही ज़्यादा पसंद आता है, बट उन्हें भिंडी मसाला बहुत पसंद है। और भिंडी मेरा फेवरेट वेजिटेबल है, मैं मुझे बॉईल करके भी दे दो तो मैं खा जाती हूँ भिंडी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे दिन मेरी सेकेंड वाली सिस्टर को, मेरी मंझली बहन को, हम दोनों को भिंडी बहुत पसंद है। यू भी बन के एकदम तैयार हो गया है। चादर चेंज करबे ना, पिंक वाला छिलो आमादे। पूरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है, कुकिंग तो हो गई है, अब बस ये बर्तन तो क्या ही बोलूँ, पूरा दिन में इतना बर्तन निकलता है ना हम लोगों के घर पे, आप लोगों के घर पे भी ऐसा होता है क्या बताना, तो पूरा दिन बर्तन निकलता है। मैं तो कभी कभी इतना इरिटेट हो जाती हूँ, बोलती हूँ कि आप पेपर प्लेट में ला के खिलाऊँगी, पर पेपर प्लेट में सिर्फ खा ही पाएंगे, बट कुकिंग वगैरह के लिए डिशेज, हांडी, कढ़ाई, बहुत इरिटेटिंग लगती है। पूरा दिन बर्तन मांजना पड़ता है, मैं, मेरी बहन, जिसको जब वक्त मिलता है, हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, जब जो रहते हैं फ्री हो जाता है, धुल जाता है, क्यों ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड्स है नहीं हमारे घर पे, बस हम दोनों बहन, मम्मी, हम ही लोग कर लेते हैं पूरा काम, हो भी जाती है। तो बस अब ये बर्तन धो के किचन काउंटर थोड़ा क्लीन करूँगी, करके जाके खुद को क्लीन करूँगी, नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाऊँ। अब यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे मेरी मम्मी देखिए ऑल्टर को सजा रही है, पूरा क्लीन किए ना, फिर कपड़ा वगैरह पूरा चेंज कर दे रही है। मम्मी का भी ऑलमोस्ट हो गया है। আমাদের রুমটাও করে দাও, আমি কেন করব, নিজে রুম ক্লিন করে নিয়েছে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। लंच के बाद और आई नहीं, रेस्ट ले रही थी, तभी जा रही हूँ थोड़ा बाहर मार्केट, तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा घूम के आइएगा। रास्ता काटा, এই তো সামনে, এই তো এটা না, এটা একটা আছে। ये सब खुशबू अच्छा होगा, ये सब कितना, क्या चीज का, पहले पूछ रहा है। और वो एक आता है ना 20 रुपया पैकेट, वो 100 100 काटी वाला कितना, 30 करके वो ওইটা 20 টাকা যেটা নিয়েছিলাম আমরা, হ্যাঁ 20 টাকা, হ্যাঁ ये सब, ये सब 20 वाला है, इट्स स्मेलটা ভালো আছে না, এটা ভালো আছে, এটা কি সন্দল, সন্দল কারা সন্দল, स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला, अच्छा सेंड वाला चाहिए, संदल है, वो टाइप है, अच्छी सुनिए देखो, 65 काटी है, हाँ भालो ही आचे, आगे से तुम्हें कौन सी, एमनी चिल, हाँ एमनी चिल, और स्मेल खूब एक टाइम लास्टिंग चिलो ना, ये बाबा पूरा रास्ता पूरा कादा कीचड़, हालत देखे रास्ते, हाँ आई थिंक सो, ना ना ওটা না, কোনটা 101 কত কাটি তুমি এখন বলছো, দে নি নি হবে ওটা, আমরা তুমি নিজে বলছো, ও
वो एक्चुअली इवनिंग में कैंडल देन अगरबत्ती वगैरह लगता है ना शाम बत्ती देने में, तो वही ख़त्म हो गया था, लेने आ गई मैं एक ही बार, ज़्यादा ज़्यादा खरीद के रख लेती हूँ तो वो कन्वीनियंट होता है, तो बस वही आ गई थे लेने के लिए। और कुछ और भी सामान जैसा होता है ना, जब आते हैं तो बहुत कुछ याद आ जाता है, ये नहीं है वो नहीं है, तो वही बस ले ले रहे हैं। ये अंकल के पास तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं सामान, तो कोई और शॉप में चलते हैं ले लेते सामान। এখানে উপরে জুয়েলারি দিয়ে খুলে দিয়েছে কি খুলে দিয়েছে জুয়েলারির শপ হামেশা খিদিরপুর हम लोग हमेशा खिदिरपुर आते हैं। आज हम लोग कहाँ है? बाबू बाजार। पैकेट 20 रुपया। ये भी नियर ही है हम लोग के घर से। जी मार्ट, वाह सही, जी मार्ट खुले दिल अनेक भालो है। गार्मेंट जी मार्ट माने गार्मेंट मार्ट। हाँ गार्मेंट मार्ट। हाँ यहाँ पे भी बहुत सस्ता सामान मिलता है हम लोगों के यहाँ पे। हम लोग गरीब इंसान है, हमारे यहाँ पे सब सस्ता सस्ता मिलता है। कहाँ है नींबू? कितना करके? 5 रुपया पीस। 1 kg 1 kg। रस होगा भैया इसमें? रस तो जरूर ज़्यादा तो बोल दिया नहीं, वही रास्ते लीजिए, 2 दे दीजिए। और कैप्सिकम कितना? 15 रुपया। पकड़िए हम पैसा दे। এখানে মম্মির ওই ডক্টর বসতো নই গোলাম অম্বিয়া। সোলানা এর নাম কি? সোলানা কবরস্থান না সোলানা মসজিদ প্লাস কবরস্থান, বহুত বড়া কবরস্থান হম লোক কাজ। তব ঘর কে তরফ যা রই হুম, পুরা কাম হো চুকা হ্যাঁ, और चिप्स वगैरह भी ले ली बच्चों के लिए। एंड चलिए आज का वीडियो फिर यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करना, ताकि मैं अच्छा अच्छा वीडियोस ले आऊँ आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए वीडियो के संग। तब तक आप लोग भी सावधानी से रहो, टेक केयर, टाटा।